हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन ओरिजिन ऑफ कोरल रीव तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कोरल रीव्स की कि कितने टाइप के कोरल रीव्स होते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनकी फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड थ्योरीज के बारे में तो फर्स्ट आ जाती है डाविंग की सब्सिडेंस थ्योरी और सेकेंड आ जाती है डेली की ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी सो so इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो so, इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं सो वेरियस थ्योरीज हैव बीन पुट फॉर टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ कि बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं डिफरेंट वर्जन हैं सबकी अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है सो so, बहुत सारी थ्योरी जो है वो कोरल रीफ से एसोसिएटेड है कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हुए एंड द अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द प्लिसोसिन सी लेवल एंड द स्टेबिलिटी ऑफ लैंड कंसर्न अब यहाँ पर दो केसेज आते हैं कि या तो जो हमारा लैंड है वो सबसाइड किया है या फिर हमारा जो सी लेवल है उसने राइस किया है

സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ത്യോറി ബൈ മോരേ എൻ്റ് ദ ഗ്ലേഷൽ കൺട്രോൾ തിിയോറി ബൈ ഡെലി बट आउट ऑफ दो थ्री थ्योरीज द मोस्ट वाइडली रिक्नाइज एंड एक्सेप्टेड अमंग द थ्री थ्योरीज इज द लैंड सब्सिडेंस थ्योरी जिनका कंसेप्ट हमारे ओरिजिन ऑफ कोरल रिव्स पर बहुत सही बैठता है और उसके बाद हमारे पास आती है हमारी ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी जो दी थी डेली ने और लास्ट हमारे पास जो लीस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है आउट ऑफ दीज थ्री वो है स्टैंड स्टिल थ्योरी गिवन बाय मर्रे और जो हमारी इस वीडियो के दो थ्योरीज है वो है डाविन की एंड डेली की तो सबसे पहले बात करते हैं डाविन की थ्योरी की दैट वॉज गिवन बाई

42 AD में इन्होंने दोबारा से इसका एक दिया कि जो पहले इन्होंने कंसेप्ट उसी को ही रिवाइज कर, कर 1842 में इसका दूसरा वर्जन दिया हमारे लैंड सब्सिडेंस थ्योरी का एक बुक भी दी थी जिसको हम बोलते हैं नेचुरलिस्ट वॉयज अराउंड द वर्ल्ड की जब वो पूरे वर्ल्ड वाइड घूमे तो उन्होंने बहुत सारे ट्रॉपिकल एरियाज को कवर किया मोस्टली हमारे जो कोरल रीवस होते हैं वो टेम्परेचर बाउंडेशन की वजह से ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल एरिया में ही हमें देखने को मिलते हैं जो होते हैं इक्वेटर के पास तो ये सारे रीजन्स में जब उन्होंने पूरा वर्ल्ड टूर करा तो उसमें उनको पता लगा कि जो हमारे कोरल पोलिप्स हैं ये सिर्फ शेलो वॉटर्स में ही ग्रो कर सकते हैं सो so, उसके बाद उनके क्या ऐसे एज्शन हैं अपनी थ्योरी को लेके तो डाविन जो है उन्होंने सबसे पहले एज्यूम करा दैट अलॉन्ग अबल प्लेटफॉर्म कोरल फ्लॉक पोलिप्सर एंड ग्रो अपवर्ड टू अ लो वाटर लेवल कि सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर अगर हमारे पास लैंड है और ये हमारे पास वाटर है तो अगर यहाँ पर हमारे पास कोरल पॉलिप ग्रो करते हैं तो वो अपवर्ड मूवमेंट में होंगे क्योंकि वो लो वाटर लेवल की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि वहीं पर उनको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं जो उनकी फोटोसिज होती है जूज एंथलाई के साथ जो उनका रिलेशन होता है वो यहाँ पर जो शेलो वॉटर उनमें ज्यादा बेटर रहता है तो फर्स्ट उनकी ये थी कि जो हमारे कोरल पोलिप्स हैं, ये आपस में मिलकर रीफ बनाते हैं और इनकी अपवर्ड मूवमेंट होती है टुवर्ड तो द लो वॉटर लेवल

उटवर्ड वुड बी बैलेंसडीडेंस दिया कि जो हमारा लैंड था वो धीरे धीरे दिखाएंगे यहाँ पर जो उनकी अर्ज होगी टू तो ग्रो अपवर्ड एंड आउटवर्ड क्योंकि उनको शेलो डेप्थ में ही रहना होता है ज्यादा अगर वो डीपर डेप्थ में अपने आपको देखेंगे तो उस डेप्थ में वो सर्वाइव नहीं कर सकते अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे अपवर्ड मूवमेंट करेंगे जिसकी वजह से हमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ देखने को मिल सकते हैं जैसे हमारा जो अटोल है वो भी एक तरह से हमारा जो अपवर्ड मूवमेंट है उसकी वजह से ही होता है और हमारे लैंड का जो है वो है वो सब्सिडेंस होता यही दो एजम्पन थी हमारे डाविन की जिनमें उन्होंने फर्स्ट में बोला कि जो हमारे कोरल हैं उनकी अपवर्ड मूवमेंट होगी और दूसरे में उन्होंने लैंड से एसोसिएटेड यहाँ पर दी कि लैंड जो है वो सबसाइड हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डाविन पॉस्टूलेटेड द फ्रिंजिंग रीफ एंड द बैरियर रीफ एंड अटोल्स आर द थ्री स्टेजेस इन दूसरी ग्रोथ ऑफ अ रीफ की इन्होंने तीन ही स्टेजेस दी की यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी फ्रिंजिंग रीफ जब हमारा आईलैंड जो है वो वॉटर लेवल है उसके बाद क्या होगा जो हमारा लैंड है वो सबसाइड होगा जो बनाएगा हमारे बैरियर और उसी के साथ जो रीफ वुड ग्रो अपवर्ड एंड आउटवर्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ शेलो लगून की यहाँ पर जब हमारे पास लैंड सबसाइड होगा तो इन्होंने अपनी दोनों को मिलाकर एक कंक्लूजन क्या निकाला की जो हमारा लैंड है वो सबसाइड करेगा और आउटवर्ड ग्रोथ होगी हमारे कोरल रीफ की जिसकी वजह से हमारे पास थर्ड स्टेज जो हमारे कोरल रीफ का है अटोल हमें देखने को मिलेगा अब बात करते हैं उन एविडेंसिस की जो सपोर्ट करते हैं हमारे चार्ल्स डाविन के लैंड सब्सिडेंस थ्योरी को सो देर इज मच एविडेंस ऑफ सब्सिडेंस इन कोरल एरियाज फॉर एग्जांपल सबर्सड वैलीज इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ क्वींसलैंड तो ये सारे हमारे वो रीजन है जहां पर हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कोरल रीफ देखने को मिलते हैं सो so ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड जो है वहां पर हमें सबसे बड़ा जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो भी देखने को मिलता है जो कोरल रीफ ही है सो so यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारी सबर्स्ड वैलीज होंगी जब हमारी जो लैंड एरिया है सब होगा अंडर वाटर तो यहाँ पर हमें बहुत डिफरेंट टाइप के रीफ जो है वो देखने को मिलेंगे हैड देयर बीन नो सब्सिडेंस द सेडिमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द इरोजन ऑफ कोस्टल रीफ्स वुड हैव फिल्ड द लगून्स कोर्स द डेथ ऑफ कोरल्स कि यहाँ पर क्या हुआ होगा कि लैंड यहाँ पर सबसाइड नहीं होता तो लैंड से जितने भी हमारा रिवर वाटर आता है जो ओशन में जाकर अपना वाटर जो है वो उसको करता है इरोजन करता है सो उसी इरोजन की वजह से जो कोरल रीफ्स थे वो फील हो जाते जो हमारे लगूंस थे वो ना फॉर्म हो पाते और उसी तरह जो हमारे कोरल्स हैं उनकी डेथ हो जाती सो ये एक एविडेंस है कि यहाँ पर जो लैंड है वो सबमर्ज हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी इरोजनल फीचर ने यहाँ पर हमारे कोरल्स को कुछ भी अफेक्ट नहीं किया और ईजिली वहाँ पर कोरल्स की ग्रोथ हो पाई Second, जो एविडेंस हमें मिलता है वो है द ओनली सब्सिडेंस कैन एक्सप्लेन द एक्स्टेंस ऑफ कोरल रीफ एट दिस डेप्थ की जो हमारे कोरल रीफ्स हैं वो 100 मीटर से बिलो जो है वो ग्रो नहीं कर सकते और यहाँ पर एविडेंस है कि यहाँ पर शेलो वाटर में ही हमारे कोरल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं एंड द डेड कोरल शोड द एविडेंस ऑफ देयर हैविंग गोडोम विच इज पॉसिबल ओनली इन शेलो वाटर्स की जो हमारे कोरल्स होते हैं वो लाइमस्टोन एंड हमारे डोलोमाइट के बने होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर हमें जो डोलोमेटाइज जो हमारे पास फिनोमिना है वो देखने को मिलता और इसी वजह से हमारा जो एक एविडेंस है वो प्रिपेयर होता है कि जो यहाँ पर शेलो वाटर्स थे उसी वजह से हमारे कोरल रीफ जो है वो यहाँ पर ग्रो कर पाए अब बात करते हैं एविडेंस अगेंस्ट द सब्सिडेंस थ्योरी कि अब इनको क्रिटिसिज्म क्या मिला सो मेनी साइंटिस्ट लाइक अगीजिस एंड सैंपल हैव आर्ग्यूड दैट द कोरल्स हैव डेवलप्ड इन प्लेसेस वेयर देयर इज नो एविडेंस ऑफ सब्सिडेंस कि अब इन्होंने क्या किया क्रिटिज्म कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर कोई भी एविडेंस नहीं है सब्सिडेंस का कि लैंड वहां पर सब्साइड नहीं कर रहा लेकिन फिर भी हमें उस एरिया में कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं और वैसा ही एक एरिया है हमारे और सी नियर ऑस्ट्रेलिया सो so, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर हमारे पास सी आती है उसके बीच में बहुत सारे कोरल रीफ्स मिलते हैं लेकिन वहां पर कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो लैंड ने कभी भी सबसाइड किया है स की जो हमारे पास छोटे छोटे लेक्स है उनकी एक्सप्लेनेशन हम ये नहीं दे सकते की हमेशा ये सब्सिडेंस की वजह से ही फॉर्म हुए हैं इनकी फॉर्मेशन के और भी रीजन हो सकते हैं इसलिए इस जो हमारी सब्सिडेंस थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया गया बाई अगी एंड सेंपर

या एक ही आइलैंड के अलोंग हमें दोनों टाइप ऑफ जो कोरल रीफ्स हैं वो देखने को मिलेंगे क्योंकि सब्सिडेंस जो है वो पूरे लैंड की एक बराबर होगी यहाँ पर यूनिफॉर्म सब्सिडेंस होगी हर आइलैंड में पूरे ट्रॉपिकल एरिया हमारी अर्थ बहुत बड़ी है तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन भी बहुत सारे हैं सो तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में इक्वल मतलब यूनिफॉर्म सब्सिडेंस हुआ हो सो तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर सेम कंडीशन में फ्रिंजिंग रीफ है और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर उन्ही कंडीशन में हमारे पास बैरियर रीफ है सो तो ये जो एविडेंस है ये जो क्रिटिसिज्म है ये बहुत ज्यादा सही है क्योंकि यूनिफॉर्म सब्सिडेंस ऑल ओवर द अर्थ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में एक साथ नहीं हो सकती Criticism This is not possible if the subsidence has been a continuous process. Finally, it लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर जो वास्ट एरिया था जो सब साइड हुआ उसके कोई भी हमें एग्जिस्टेंस ना दिखे सो so, यहाँ पर लिविंग बिहाइंड कोरल एज आईलैंड ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ सच अस्टलैंड एरिया इन ओशन नहीं मिला सरमर्ज हुआ हो अंडर वाटर और वहां पर उससे हमें कोरल रीफ की जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिली हो सो so, ये जो सब्सिडेंस वाला कंसेप्ट है ये भी पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है लेकिन यहां से कोरल रीफ के ओरिजन को एक्सप्लेन नहीं करता पर जो थ्योरी है वो दी थी डेली ने द ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी दैट वाज गिवन इन 1915 और डेली ने क्या किया द स्टडी ऑफ कोरल रीफ्स ऑफ हवाई तो जो हमारे हवाई आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन में उनकी इन्होंने स्टडी करी एंड वाज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द टू थिंग्स

इन द लास्ट ग्लेशियल पीरियड एन आइस शीट है ड्यू टू द फॉल फॉल इन पर जब जो है वो उसने किया माइनस में चला गया तो वहां पर क्या हुआ एक जो हमारा ग्लेशियल वाटर था ग्लेशियल पीरियड में यही आइस शीट जो है एक तरह से फॉर्म हुई एंड दिस कॉस्ट ऑफ विड्रोवल ऑफ वाटर इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द आइस शीट अब जितना हमारे पास पानी था उसकी ही आइस शीट बन गई तो इसीलिए हमारा सी लेवल जो है उसमें डिक्लाइन आ गया एंड दिस लोअर द सी लेवल बाय वन ट्वेंटी फाइव टू वन फिफ्टी

कोरल्स वर्क एंड द कोरल रीफ्स एंड अटोल्स वर्क प्लान डाउन बाई सी इन टू द फॉलिंग सी लेवल एट दैट पीरियड कि इस टाइम पर जब ग्लेशियल सी लेवल हुआ तो यहाँ पर ये लेवल हमारे पास सी का जो आया तो उसकी वजह से इस एरिया में बहुत सारा इरोजन हुआ इसी वजह से यहाँ जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो हमारी वाइड हो गई और यहीं पर जो हमारा लैंड कट था जो वेव एक्शन की वजह से यहाँ पर लैंड कट हुआ था वो एक तरह से प्लेटफॉर्म बना हमारे कोरल रीव्स के लिए वही दोबारा मेल्ट हो जाएगी तो हमारा सी लेवल क्या होगा फिर से राइज हो जाएगा एंड द वॉटर रिटर्न टू दी विच स्टार्टेड राइजिंग ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर एंड सी लेवल अगेन स्टार्टेड ग्रोइंग ओवर द्लेटफॉर्म विच वोवर ड्यू टू द मरीन इरोजन तो यहाँ जो प्लेटफॉर्म हमारे मरीन इरोजन की वजह से वेबकट प्लेटफॉर्म जो बने थे उन्हीं पर ही हमारे जो कोरल रीफ हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट हुए क्योंकि उनको एक शेलो डेप्थ में लेवल मिल गया एक तरह से प्लेटफॉर्म मिल गया ग्रो करने के लिए हमारा सी लेवल बढ़ा उसी तरह जो हमारी कोरल कॉलोनीज थी जो कोरल रीफ की ग्रोथ थी वो भी बढ़ी एंड द कोरल कॉलोनीज डेवलप्ड मोर ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म क्योंकि उनको एक शेल हमारे पास लैंड था, था। यहाँ पर जब हमारे पास सी लेवल जो है उसमें राइज देखने को मिला सो तो इसी के जो हमारे ये कॉन्टिनेंटल शेल जो एक्सटेंडेड शेल थी क्योंकि इसे हमारे बनाया था मरीन इरोजन की वजह से सो तो इसी इरोजन की वजह से जो प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ इसी पर ही हमारे कोरल रीफ्स ने जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया करते हैं उन की जो सपोर्ट करते हैं हमारे डेली की हाइपोथेसिस को उसके एग्जाम को तो फर्स्ट जो इसका पर जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था वो सपोर्ट करता है हमारे डेली की हाइपोथेसिस को जो डेलीशियर कंट्रोल थ्योरी है कि हमारे ग्लेशियर जो है उनमें राइज एंड फॉल देखने को मिला ऑल्सो इन द आइस एज ऑल द प्लेटफॉर्म वर कट डाउन टू द सी लेवल बाय द मरीन इरोजन की जब हमारा सी लेवल जो है उसमें फॉल देखने को मिला तो उसी फॉल की वजह से जो ग्लेशियल हमारे पास लेवल आया उसने बहुत ज्यादा इरोजन की हमारी मरीन इरोज़न की वजह से हमारे पास बैरियर रीफ एंड अटोल में जो हमें लगून देखने को मिलते हैं उनकी डेप्थ और इन वेब क्लट प्लेटफॉर्म की जो हमारे पास एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्स थी इनकी डेप्थ ऑलमोस्ट सेम देखने को मिली जो एक सपोर्ट डेलीस हाइपोथिस शोस दैट द डेप्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड ऑफ द लगून आर इक्वल एट ऑल प्लेसेस तो ये हमने देख लिया कि जो लगून और हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनकी जो डेप्थ थी वो ऑलमोस्ट इक्वल थी एंड द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ दिस हाइपोथेसिस इज दैट इट नीड्स नो ऑफ द क्रस्ट एज इन द केस विद डाविन को अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए लैंड के सबसाइड होने का प्रूफ देना पड़ा लेकिन इस केस में वो चीज नहीं हुई क्योंकि मरीन इजन थी जो वो इजिली देखी गई एंड फाइनली द सी वेव्स एंड करंट्स कुड हैव इजिली कट डाउन द आईलैंड एंड कन्वर्टेड इन टू लो प्लेटफॉर्म्स इसी थ्योरी के क्रिटिसिज्म की अब यहां पर जब एक ने जनेसेप्ट दिया उसने अपनी एक्सप्लेनेशन दी उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक थ्योरी बनाई लेकिन यहां पर क्रिटिसिज्म क्या मिलता है देर आर सम प्लेटफॉर्म्स आर सो लॉन्ग एंड ब्रॉड देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द वर्क ऑफ मरीन इरोजन अलोन तो अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसी लैंड को बनाने में काम आते हैं सो so फर्स्ट हम बात करें अगर मरीन इरोजन की जो डेली ने अपना कंसेप्ट दिया था वो यहां पर नहीं लगता और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे हमारे पास आता है नजरत प्लेटफॉर्म जो आता है थ्री फिफ्टी किलोमीटर तो इतने लंबे एरिया को इरोड करना बहुत ईजी नहीं है एंड आइडेंटिटी इज अबाउट सिक्स हंड्रेड मीटर हाई एवरीवेयर तो इसकी जो हाइट है वो भी बहुत ज्यादा है इसलिए मरीन इरोजन भी इतना ज्यादा अपना इम्पेक्ट नहीं कर पाती कि थ्री फिफ्टी किलोमीटर लॉन्ग एंड वन हंड्रेड किलोमीटर वाइड किसी एरिया को इरोड करना इज नॉट सो इजी तो यहां पर मरीन जो इरोजन वाला कंसेप्ट है वो एक तरह से यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होता क्रिटिसिज्म है वो है डेली कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरल कॉलोनीज एट द डेप्थ ऑफ हंड्रेड मीटर्स कि यहां पर इन्होंने लैंड सब्सिडेंस का कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो डाविन ने दिया था और इन्होंने यहाँ पर क्या क्या जो हमारे पास वेव कट प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं पर कोरल जो है वो डेवलप हुए लेकिन जिन एरियाज में हमारी डेप्थ जो है वो हंड्रेड मीटर से भी ज्यादा है वहां पर इन्होंने कोई भी उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि उनकी ग्रोथ हंड्रेड मीटर से बिलो कैसे हो सकती है ही हैड टू एडमिट लोकल सब्सिडेंस टू बी एबल टू एक्सप्लेन द कोरल कॉलोनीज इन सम डीपर एरियाज तो जिन भी एरियाज में डेप्थ जो ज्यादा है उनको प्रूव करने के लिए इनको वापिस सब्सिडेंस का जो है वो टू एबल टू एक्सप्लेन द द द कोरल एंड सम डीपर एरियाज इन डेली हेड कैलकुलेटेड दैट फोल्ड आइस एज अराउंड एरिया मीटर्स तो उन्होंने जब बोला था कि जो डेप्थ आई वो आई थी वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी मीटर्स लेकिन यहां पर जो इन्होंने कैलकुलेशन करी तो यहां पर एट्टी मीटर्स की डेप्थ तक में हमें जो सी लेवल है उसमें फॉल देखने को मिला था सो so, इस फॉल और इस जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो सही तरह से नहीं थी जिसकी वजह से डेली की जो थ्योरी है उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इट कैलेशन इज नॉट कर फॉल ऑफ सी लेवल की बात करो तो यहाँ पर जो हमारे होता है, अगर, यह यह तो अगर यहाँ पर इरोजन हो तो वेब क्ल प्लेटफॉर्म हमें क्लिप्स भी देखने को मिलते हैं लेकिन जितने भी हमारे कोरल रीव है वो उन एरियाज में नहीं होते जहां पर क्लिप्स होती है तो अगर आपने ध्यान से देखा हो किसी भी एरिया में जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं एक पूरा एक तरह से

उसका नहीं दे पाया कितना राइज हुआ और जो कितना फॉल इन्होंने जो बताया उसकी कैलकुलेशन भी करेक्ट नहीं थी टेली की जो थ्योरी उसको ज्यादा क्रिटिसिजम मिला और जो डाविन की थ्योरी थी वो काफी हद तक जो एक्सेप्टेबल थी और वाइडली रेकग्नाइज थी डाविन की सब्सिडेंस थ्योरी और डेली की ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी में क्या डिफरेंस है सो फर्स्ट डिफरेंस ये था कि कि इन्होंने बोला कि जो सी लेवल था उसमें राइज एंड फॉल देखने को मिला और उसी तरह डाविन ने बोला कि जो हमारा लैंड है उसने सबसाइड किया जिसकी वजह से हमारे पास थ्री स्टेजेस ऑफ कोरल रीफ्स देखने को मिले सो फर्स्ट लेवल में दोनों में ही हमें फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिले फर्स्ट में हमारे पास लैंड ने सबसाइड किया जिसकी वजह से हमारे पास आए बैरियर रीफ और यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन हुई लगून की उसी तरह जब इन्होंने बोला कि यहां पर वेव कट कर... फॉर्मेशन हुई जो हमारी हुई थी मरीन इरोजन की वजह से तो यहाँ पर भी हमें बैरियर रीफ ही मिली और एट द एंड जब हमारे पास सी लेवल फिर से राइज हुआ तो हमें मिले हमारे लगून एंड अटोल्स और उसी तरह जो हमारे डाबिन की थ्योरी थी उन्होंने बोला कि अटोल की फॉर्मेशन तब होगी जब हमारा पूरा लैंड जो है वो अंडर वॉटर सर्ज होगा और उसी के साथ हमारी लगून जो है वो बीच में आ जाएगी हमारे अटोल कोरल रीफ्स हैं उनकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी में लैंड सब्साइड करेगा जिसकी वजह से कोरल रीफ्स बनेंगे और जो हमारा डेली का ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी है उसमें ग्लेशियर जो है एक तरह से कोरल रीफ की फॉर्मेशन को कंट्रोल करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले